नमस्कार, पूनम की आवाज चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। माधवपुर गांव में किसान अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहता था। किसान की पत्नी का नाम निर्मला और बेटी का नाम मीनू था। किसान जो अपने बच्चों को बहुत प्यार करता था। किसान निर्मला ने बड़े प्यार से मीनू को पालते थे। किसान जब छोटा था तो उसके पिता शराब पीकर उसकी माँ को मारा पीटा करते थे। कमाना तो जैसे उसके पिता जानते ही नहीं थे। किसान की माँ ही बीड़ी के कारखाने में काम करके जैसे तैसे पैसे कमाती थी, पर उसका पिता जबरन उससे पैसे छीनकर शराब के नशे में उड़ा देता था। इसलिए किसान ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया था। वो छोटी सी उम्र में ही मेहनत करना सीख गया था। वो चाहता था हमारी वजह से बच्चों का भविष्य खराब ना हो। किसान हर दम अपने बीवी बच्चों को खुश रखना चाहता था। शादी ब्याह हो या कोई चुनाव जीत गया हो, किसी के घर नन्हा मेहमान आया हो या किसी खुशी के मौके पर किसान हर वक्त मौजूद रहता था। ऐसी जगहों पर किसान का हमेशा इंतजार किया जाता था, क्योंकि किसान एक बाजा बजाने का काम करता था। वो एक बैंड बाजा पार्टी के लिए काम करता था। इनके बैंड बाजा पार्टी में 5-6 लोग रहते थे। इन लोगों में से किसान का जोश ही सबसे निराला था। वो कहीं पर भी बाजा बजाने लगता तो हर कोई उसका जोश देखकर उसका उत्साह बढ़ाने लगते और ताल पर नाचने लगते थे। लोगों को नाचता देखकर किसान उस और उसके साथी पसीना बहने तक जोर जोर से बाजा बजाने लगते थे। जब सारा माहौल ठंडा हो जाता, जब सारा कार्यक्रम खत्म हो जाता तो इनके पार्टी को बस उंगलियों पर ही गिना जाए, इतना ही मेहनताना मिल जाता था। हर एक के हिस्से में बस कुछ रुपए आ जाते थे। औरों की खुशियों में 4 चांद लगाने में ये लोग पानी की तरह पसीना बहा देते हैं। पर नाच नाच कर थक चुके लोग इन्हें सही मेहनताना देना जैसे भूल जाते थे। बस जो भी हाथ आता वो उन्हें दे देते और कहते खाना भी खाकर जाना। वो भी ऐसे कहते जैसे उन पर कोई मेहरबानी कर रहे हों। लोगों का उत्साह देखकर जोश में आकर जोर जोर से बैंड बजाना भी एक मेहनत का काम है। देखने वाले और नाचने वाले तो सिर्फ मजे लेकर जाते हैं और उन्हें इनके हाथों के दर्द से कोई मतलब नहीं होता। कभी कभी मोहल्ले के पास कोई कार्यक्रम हो तो किसान वहाँ बाजा बजाने गया हो तो मीनू भी चली जाती थी और अपने बाबा को इतने उत्साह के साथ बाजा बजाते देखकर बहुत खुश नजर आती थी। शाम को किसान जब घर आता तो चुपके से अपने हाथों पर तेल मलने लगता था। मीनू जब ये देखती तो उसे बहुत बुरा लगता था। वो अपने बाबा से कहती, बाबा क्या बहुत दर्द हो रहा है, हाथों में मैं आपके हाथों की मालिश कर दूं। किसान एक छोटी सी मुस्कान लिए उसके जो अपने पास बिठाकर अपने हाथ उसके सामने कर देता और कहता, तू जब इसे छुएगी तो दर्द अपने आप चला जाएगा। मीनू जो अपने बाबा के हाथों को अपने गालों से लगाती और कहती, बाबा आप ये काम छोड़ दिए ना, क्या कोई दूसरा काम नहीं मिल सकता जिससे आपको तकलीफ ना हो। अरे जिस काम में तकलीफ ना हो। तो किसान कहता, वो काम किस काम का। यदि इंसान बिना किसी तकलीफ के काम करेंगे मीनू, तो उस काम की ना तो कोई कद्र होगी ना ही उससे पैसे कमाएंगे। किसान मीनू के सर पर हाथ फेरते हुए उसे समझा देता। अंदर चूल्हा फूंकती निर्मला गुस्से में आकर गरज पड़ती, अरे ऐसा वैसा काम ना करेंगे तो खाएंगे क्या, और तुम्हारी पढ़ाई का जो फिजूल खर्चा होता वो कहाँ से लाएंगे। निर्मला थोड़ी कठोर दिल की थी। वो लड़का चाहती थी। वो किसान से हमेशा दूसरी औलाद के बारे में सोचने के लिए कहती थी। पर किसान अपने हालातों को जो हालातों को बखूबी जानता था, वो नहीं चाहता था कि अपने गरीबी की वजह से उनकी औलादों को तकलीफ हो। निर्मला उससे झगड़ा करती रहती, कभी कभार टेढ़ी बात भी कह दिया करती थी और गुस्सा भी किया करती थी। पर किसान है कि वो उसे कुछ नहीं कहता ना नाराज रहता, कभी भी ना उसे डांटता और ना कभी उस पर हाथ उठाया। निर्मला जैसी भी किसान उससे खूब प्रेम करता था।
मीनू भी पढ़ने में बहुत होशियार थी। वो चौथी कक्षा में पास ही के सरकारी स्कूल में पढ़ती थी। उसे तस्वीर बनाने का बड़ा शौक था। वो तरह तरह की तस्वीरें बनाया करती और उसने अपनी कला के किताब में सबसे पहले पन्ने पर अपने माँ बाप की तस्वीर बना रखी थी। स्कूल में हो या घर पर, वो किताब खोलकर सबसे पहले अपने माँ और बाप की तस्वीर को प्रणाम करती, फिर अपनी पढ़ाई शुरू करती। उसकी यह आदत स्कूल में सभी मास्टरों को बहुत पसंद आती थी। वो हमेशा मीनू की तारीफ किया करते थे। कभी घर पर मीनू किसी सवाल पर अटक जाती तो अपनी माँ से उसका जवाब पूछती, पर माँ अनपढ़ निर्मला को सवाल ही सीधा समझ में नहीं आता तो जवाब क्या खाक देती। निर्मला काम में व्यस्त होने का बहाना बनाती और बात को टाल देती, पर शाम को जब किशन घर आता तो वही सवाल जवाब वो अपने पिता से पूछती। किसान आधा अधूरा जवाब दे देता, फिर मीनू बाकी सारा जवाब समझ जाती। कुछ दिनों में मीनू के इम्तिहान आने वाले थे। स्कूल में सभी के इम्तिहान की फीस भरने को कहा गया था। अब ज्यादातर बच्चों के इम्तिहान के वक्त कोई भी कार्यक्रम या जलसा नहीं रखता था। जो रोज कमाकर खाने वाले होते हैं, उन्हें ऐसे दिनों में बड़ी कठिनाई होती है। हालात खराब होने की वजह से किसी के पास जमा पूंजी भी नहीं रहती थी। ये बात की जो स्कूल के इम्तिहान की फीस भरनी है, मीनू ने घर आते ही अपनी माँ को बताई। निर्मला ने कहा, कितनी फीस भरनी है, उसकी रकम कितनी है? ऐसे सवाल किए। मीनू अपनी माँ का चेहरा देखते हुए कहने लगी, अम्मा 500 रुपए भरने। निर्मला अपने दांत चबाते हुए कहने लगी, हाय रे हाय, ज्यादा खर्चा ना हो इसलिए तो तुझे सरकारी स्कूल में भर्ती कराया। अब हुआ भी क्या, शिक्षक का शिक्षा का जो धंधा खोल बैठे हैं, क्या गरीब यूं ही शिक्षा से पीछे रह जाएगा? निर्मला को ऐसे बोलता देखकर मीनू को बड़ा मजा आ रहा था। उसने हंसते हुए कहा, अरे नहीं अम्मा, मैं तो मजाक कर रही थी। कोई 500 रुपए नहीं, सिर्फ 60 रुपए भरने हैं। तो निर्मला कहने लगी, ठहर तो जा, जरा बहुत जबान चलने लगी है तेरी। निर्मला मीनू के पीछे बेलन लेकर दौड़ पड़ी और मीनू हंसते हुए बाहर की ओर चली गई। आज किशन ने घर आने में देर कर दी, पर उसके माथे पर कुछ परेशानियों की लकीर दिखाई दे रही थी। निर्मला ने उससे पूछा, कहाँ थे अब तक, खाना कब से ठंडा हो रहा है? अब बैठे क्या हो, जब हाथ मुंह धो लो। मैं खाना लगाती हूँ। जो बात निर्मला को पूछनी थी वो मीनू ने किशन से पूछी। क्या हुआ बाबा, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या हाथों में दर्द हो रहा है? मैं तेल मल दूं? बाबा, किशन ने एक नज़र अपनी मीनू की तरफ देखा और कहा, नहीं मीनू, दर्द नहीं हो रहा, बस जरा सा थक गया हूँ, चलो खाना खाते हैं। किशन की बात में दर्द भरी आवाज थी। कुछ तो बात है जो वो छुपा रहा था। किशन की हालत देख मीनू ने स्कूल फीस की बात न करने का तय किया। तीनों खाना खाकर सो गए। मीनू को नींद लग चुकी थी। किशन और निर्मला अभी जाग रहे थे। निर्मला ने किशन को मीनू के स्कूल के इम्तिहान की फीस की बात बताई और सुबह जाने से पहले मीनू को पैसे देने को कहा। राशन भी कम होता जा रहा है। इतना कहकर वो आंख बंद करके सो गई। किशन अब भी अपने आंखें छत पर जमाए न जाने क्या सोचने लगा। आधी रात बीत जाने के बाद किशन को कब नींद आई उसे पता नहीं चला। अगली सुबह रोज की तरह कोई अपना काम करने लगा तो किशन घर से बस निकलने ही वाला था। हर तरफ लोग अपने कामों में लगे हुए थे। निर्मला ने उसे फीस की बात याद दिला दी। किशन ने मीनू से पूछा, कब भरनी है फीस? मीनू बेटा, तो मीनू कहने लगी, अभी 4 दिनों में भरनी है बाबा। किशन ने मुस्कुराते हुए बोला, तो फिर 2 ही दिनों में दे देंगे। मीनू ने भी मीठी सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। किशन घर से निकल गया, मीनू भी स्कूल के लिए चली गई। निर्मला अपने घर के कामों में व्यस्त हो गई। दूसरे दिन गांव में एक बड़े आदमी के घर उसके लड़के की सगाई होने वाली थी। ये बात किशन और उसके साथियों को पता चली।
वे खुश होकर तुरंत उस आदमी के घर पहुँचे, उस आदमी से मुलाकात की और उन्हें इस खुशी के मौके पर बैंड बाजा बजाने का न्योता देने को कहा। उस आदमी ने खुशी खुशी होने या जोर शोर से बाजा बजाने का न्योता दे दिया और उन कुछ पैसे भी दिए और कहा कि सगाई के बाद और पैसे मिलेंगे। सभी बेहद खुश हुए। वे उस आदमी का शुक्रिया अदा करके तैयारी में जुट गए। सगाई कल थी, इसलिए किसान और उसके साथी उस भले आदमी को खुश करने के लिए जोरदार तैयारी करने लग गए। किसान के हिस्से कुछ पैसे आ गए थे जो उस आदमी ने न्योता देने के साथ दिए थे। शाम को घर आते वक्त किसान ने थोड़ा बहुत राशन लिया और उसने मीनू के स्कूल की फीस के 60 रुपए पहले ही अलग करके निकाल रखे थे। घर पर मीनू पढ़ाई में लगी हुई थी। किसान चुपके से पीछे जाकर उसकी आंखों पर हाथ रख दिया। मीनू ने बिना देर किए पहचान लिया और बाबा आपो क्या? मीनू किसान कहने लगा, आज भी पहचान लिया। बाबा मीनू कहने लगी, आप ही तो हो जो ऐसे पीछे से आंखें बंद करते हो। अम्मा तो ऐसे करने से रही। दोनों ये कहकर हंसने लगे। किसान ने मीनू को 60 रुपए निकाल कर दिए और स्कूल फीस भरने के लिए कहा। निर्मला अंदर से राशन के बारे में पूछने लगी। किसान ने तुरंत उसके हाथ में राशन की थैली थमा दी। तीनों रात का खाना खाकर अपने सपनों की दुनिया में खो गए। आज शाम किशन और उसके साथियों को जिसके यहाँ सगाई थी वहाँ जाना था। सबने खूब तैयारी कर रखी थी। सभी उनके ठिकाने पर जमा होकर उस सगाई वाले जगह पर जाने के लिए निकल पड़े, पर रास्ते में ही उन्हें कुछ गाने बजाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। सब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। उनमें से एक ने कहा, अरे ये गाने बजाने की आवाज़ तो वहीं से आ रही है। दूसरे ने कहा, कहीं उस सेठ ने किसी और को तो बजाने का न्योता नहीं दे दिया। किसान ने अपनी परेशानी पर आश्चर्य की लकीरें लाते हुए कहा, चलो वहीं चलकर देखते हैं माजरा क्या है। सभी उस तरफ निकल गए। वहाँ जाते ही सबके चेहरे का रंग फीका पड़ गया। सामने साउंड के बड़े से स्पीकर लगे हुए थे। कोई ऑर्केस्ट्रा चला रहा था, जिसकी सगाई थी तो उसने शहर के इस ऑर्केस्ट्रा वाले को बुलाया था। गाने की आवाज काफी तेज थी, जिसकी धुन पर सभी नाचने में मस्त थे। यह नजारा देखकर किशन और उसके साथी तुरंत सेठ जी को खोजकर उसके पास चले गए। सेठ जी घर के आंगन में कुर्सी लगाए मुस्कुरा रहे थे। सामने से उन्हें आते देखकर उनकी मुस्कुराहट चली गई, आंखें नीचे झुक गई। किसी ने सेठ जी से बड़ी नम्रता से पूछा, सेठ जी ये सब क्या है? आपने हमें न्योता दिया था ना? फिर ये सब अब हम क्या करें? सेठ जी भी ऑर्केस्ट्रा की बात को लेकर नाराज थे। वह नहीं चाहते थे कि ऑर्केस्ट्रा ऑर्केस्ट्रा हो, पर उनके लाडले की जिद की वजह से उन्हें खामोश रहना पड़ा। उन्हें इस बात का बड़ा अफसोस था। उन्होंने बाजे वालों को बुलाया, पर उनके बेटे ने शायद उनके पेट पर लात मार दी। सेठ ने उन्हें समझा बुझाकर शांत किया और अपनी जेब से उनके बचे हुए पैसे निकाल कर देने लगे। किशन ने पैसे लेने से इनकार कर दिया। जब उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया तो फिर किस बात के पैसे ले, ऐसा उसने कहा। पर सेठ जी ने जबरदस्ती करने पर उनके बाकी साथियों के कहने पर उन्होंने पैसे ले लिए। सेठ जी खुश हुए और उनसे एक सवाल किया, ज्यादातर यह शादी वादी कार्यक्रम तो शाम के वक्त ही होते रहते हैं, फिर दिन में आप क्या करते हो? उनके जवाब में किसी ने कहा कि वे किसी बीड़ी के कारखाने में काम करता है तो एक लोहार का काम करता है। किसी ने कुछ तो किसी ने कुछ कहा कि खामोश खड़ा रहा। सेठ जी ने उससे भी वही सवाल दोहराया। किसने कहा कि उसे जहाँ भी कोई काम मिलता वो कर लेता है। किसान एक अनाज के गोदाम में बोरियां उठाने का काम करता था, इसलिए उसके हाथ दर्द करने लगते थे। सेठ जी ने सभी को खाना खाकर जाने का आग्रह किया, पर खाने की बात को किसान ने मना करने लगा। उसने सोचा कि वह यहाँ बैंड बाजा बजाने के जरिए से आए थे, वो तो कर न सके। अब ऐसे में खाना खाने बैठ जाएंगे तो लोग क्या सोचेंगे? इसलिए सभी ने खाना खाने से इनकार कर दिया
और वहां से जाने लगे। सेठ जी ने किशन को आवाज लगाई और अपनी तरफ बुलाया और कहा कि मेरे घर के पिछले हिस्से में छोटा सा बगीचा है, वहां अक्सर घास काटने के लिए माली की जरूरत होती है। क्या तुम काम करोगे? रोजाना कुछ ना कुछ काम होता ही है। पैसे की चिंता मत करो, मैं रोजाना का मेहनताना दिया करूंगा। किशन को और क्या चाहिए था? उसने तुरंत हामी भर दी और सेठ जी का शुक्रिया अदा करने लगा। सेठ जी ने उसके कंधे पर थपथपाया और कहा कि उसके कुछ भी मेहनत करने की लगन से वो बहुत खुश हुआ है। बस ऐसे ही मेहनत करते रहो, ऊपर वाला उसका फल हमेशा देगा और अच्छा फल देगा। दोनों की बातें खत्म होने के बाद किशन वहां से चला गया। सेठ जी भी बेटे की सगाई के कामों में लग गए। रात को किशन जब घर आया तो बहुत खुश नजर आया। निर्मला ने किशन का चेहरा देखते ही कहा, क्या बात है, आज जल्दी आ गए और खुश भी लग रहे हो। गाना बजाना जल्दी खत्म हो गया क्या? किशन बड़ी नरमी से कहने लगा, आज तो कमाल हो गया। करने को कुछ गए थे, हो कुछ गया। निर्मला ने भी बड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या हुआ, कुछ गड़बड़ हुई क्या? खैर वो जाने दो, अब आगे से सब ठीक होगा, किशन ने कहा। इतना कहकर वो मुंह हाथ धोने चला गया। निर्मला भी खाना निकालने लगी। मीनू अपने पड़ोस की सहेली के घर से आ गई थी। किशन सुबह 8 बजे ही घर से निकल गया। उधर सेठ जी के घर, जिनका नाम द्वारका दास था, वहां जाकर सेठ जी से मिला। उन्होंने किशन से कहा, इतनी जल्दी आ गए, इस बात की तारीफ की और उसे अपना पूरा बगीचा दिखाया। फिर उसे काम समझा कर चले गए। बगीचा तो देखने में बड़ा था और काम भी जायदा था। इस काम पर लग गया। उसने बड़ी मेहनत से पूरे दिन में लगभग आधे से ज्यादा घास काटकर साफ कर दिया। उसकी जगह अगर कोई और होता तो पूरे दिन सिर्फ आधा बगीचा ही साफ किया होता। शाम के वक्त किशन काम खत्म करके सेठ जी के पास गया और बताया कि सेठ जी, आज का काम खत्म हुआ। सेठ जी बड़े खुश हुए। उसने एक ही दिन में घास काटकर साफ कर दिया। उन्होंने अपनी जेब में हाथ डालकर 50 रुपए उसे देने लगे, पर किशन पैसे लेने में हिचकिचा रहा था। ये देख सेठ जी को लगा शायद 50 रुपए कम लग रहे हैं, इसलिए सेठ जी ने उसे कहा, ये लो, ये तो इनाम है। उन्होंने दीवार में से रुपए निकाले और किशन को दे दिए। अब किशन ने हाथ में कुल 120 रुपए थे, जो उसके लिए काफी थे। इतना मेहनताना उसे कभी नहीं मिला। उसने सेठ जी का शुक्रिया अदा किया और कल और क्या काम करना है उसके बारे में पूछा। सेठ जी ने मुस्कुराते हुए कहा, कल आने के बाद बताता हूँ। किशन अब खुशी खुशी घर की ओर निकल गया। उसने घर जाते हुए कुछ राशन और मीनू के लिए जलेबी और मुरमुरे खरीद लिए। मीनू को वे बहुत पसंद थे। कुछ पैसे अब भी बचे थे, जो घर जाकर किशन ने निर्मला के हाथों में थमा दिए और सारा सामान भी निर्मला खुश हो गई। मीनू भी अपनी पसंद की जलेबी और मुरमुरा देखकर खुश हो गई। आज बड़े दिनों के बाद किशन ने कुछ खाने को लेकर आया था। वे दोनों को खुश देखकर बड़े शगुन की सांस ले रहा था। 3-4 माह ऐसे ही खुशी से गुजर गए। एक दिन मीनू स्कूल में खाने की छुट्टी में खाना खाकर खेल रही थी। अचानक वह जोर से हौंफने लगी। उसे चक्कर आने लगा और गिर गई। साथ खेल रहे बच्चों ने स्कूल के शिक्षकों को तुरंत उसकी खबर दी। अध्यापकों ने मीनू को तुरंत नजदीक और अस्पताल में भर्ती कराया। किशन और निर्मला को इसकी तुरंत जानकारी दी गई। निर्मला घर और किशन सेठ जी के यहाँ काम से दोनों अपना सारा काम छोड़कर दौड़े दौड़े अस्पताल आ गए। निर्मला पहले पहुँच चुकी थी। मीनू को डॉक्टर साहब अंदर के कमरे में देख रहे थे। निर्मला पड़ोस की देवकी भाभी, जो निर्मला के साथ आई हुई थी, वे दोनों बाहर बैठी थी। तभी किशन हौंफते हुए आया और निर्मला ने उसकी तरफ देखा और आंसू निकलने लगे।
उसके वह किशन से लिपट कर रोने लगी और कहने लगी, देखिए ना हमारे मीनू को क्या हो गया है, वो आंख नहीं खोल रही है ना कुछ बोल रही है। किशन ने निर्मला को तसल्ली देने लगा और कहा, अरे पागल रोती क्यों है, कुछ नहीं होगा मीनू को, बच्चे अक्सर ऐसे बीमार हो जाते हैं, गिरते पड़ते रहते हैं, अभी दौड़ते हुए बाहर आ जाएगी अपनी मीनू। किशन का दिल भी अंदर से रो रहा था, पर निर्मला के सामने उसने अपने आंसुओं को दबाए रखा और डॉक्टर साहब बाहर आ गए। उन्हें देखकर किशन और निर्मला उनके पास जाकर मीनू का हाल पूछने लगे। डॉक्टर साहब ने उन्हें अपने कमरे में बुलाया और कहा, देखिए मिस्टर किशन, बात यह है। फिर डॉक्टर साहब रुक गए। किशन और निर्मला घबराते हुए कहने लगे, डॉक्टर साहब आखिर बात क्या है। डॉक्टर साहब ने उन्हें धीरज से काम लेने को कहा और आगे कहने लगे, दरअसल बात यह है कि मीनू के दिल में एक छोटा सा छेद है, उसका तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। वरना तो, किशन कहने लगा, वरना क्या डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब कहने लगे कि, सबने नजरें झुका ली डॉक्टर साहब के पूछने लगे, कहने लगे मीनू की जान को खतरा भी हो सकता। डॉक्टर साहब ने कहा, कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। किशन और निर्मला बस एक दूसरे को देख रहे थे। उनकी हालत देखकर डॉक्टर साहब ने उन्हें समझाया, ये ऑपरेशन के बाद मीनू बिल्कुल ठीक हो जाएगी। निर्मला तुरंत ऑपरेशन करके मीनू को ठीक करने की विनती करने लगी। किसान अपने आंसुओं को पलकों में दबाए डॉक्टर साहब से ऑपरेशन का खर्चा कितना होगा पूछने लगे। डॉक्टर साहब ने उन्हें ऑपरेशन का कुल खर्चा 20 से 30 हजार बताया, जिसे सुनकर किसान डॉक्टर साहब को बस देखता रह गया और निर्मला तो जोर जोर से रोने लगी कि संजय से तैसे निर्मला को चुप करने लगा और डॉक्टर साहब से कहने लगा, डॉक्टर साहब आप मीनू को कैसे भी करके ठीक कर दीजिए, मैं कहीं से भी कुछ भी करके पैसों का इंतजाम कर दूंगा, आप बस मेरी बच्ची को ठीक कर दीजिए। किसान निर्मला जहां मीनू को रखा था वहां उसे देखने गए। मीनू चारपाई पर ऐसे सोई हुई थी कि मानो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। किशन और निर्मला मीनू के करीब जाकर बैठ गए। किसान मीनू के सिर पर हाथ फेर रहा था। निर्मला मीनू का हाथ पकड़कर रो रही थी। कुछ देर में मीनू अपने हाथ हिलाने लगी, धीरे धीरे उसने आंखें खोल रही थी। किसान ने मीनू को देखा और निर्मला को इशारे से आंसू पोंछने को कहा। मीनू ने आंखें खोली तो सामने अपने माँ और बाबा को पाया। उसने इधर उधर देखा तो वो समझ गई कि वह अस्पताल में। उसने कहा, अम्मा बाबा मैं फिर कभी स्कूल में भागम भाग नहीं करूँगी, ऐसे खेलते ही मैं गिर गई थी। किसान अपने आप को संभालते हुए मीनू के सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, कुछ नहीं बेटा तुम्हें कुछ नहीं हुआ, थोड़े दिन में तुम पहले जैसा खेल कूद पाओगी। निर्मला अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। उसने मीनू का हाथ अपने गालों पर लगाया और फिर उन्हें चूमने लगी। आज अम्मा को क्या हो गया, मीनू ने पूछा। बाबा बड़ा प्यार आ रहा मुझ पर। अरे अम्मा कुछ नहीं हुआ है, मुझे जल्दी से घर ले चलो ना, मीनू अपने माँ बाबा को देखकर कहने लगी। निर्मला के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। किसान ने मीनू से कहा, हाँ मीनू हम जल्दी ही घर चलेंगे। मीनू को समझाकर किशन कहने लगा, मैं अभी आता हूँ। वो अस्पताल के बाहर एक पेड़ के नीचे किशन अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था। मैं बड़ी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके दोस्तों ने उसे कई तरह के राय विचार दिए पर किशन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक से किशन खड़ा हुआ। उसने अपने एक दो दोस्तों को वहीं अस्पताल में रुकने को कहा और वह एक दोस्त को लेकर कहीं चला गया। देर रात किशन अस्पताल लौट आया। वो मीनू के वार्ड के बाहर एक कुर्सी पर अपना सर नीचे झुका बैठा था। उसका दोस्त उसके साथ नहीं था। निर्मला मीनू के पास सोई हुई थी। किशन ने अपना चेहरा नीचे छुपाया ही। वह जहां गया था वहां क्या हुआ वह सब उसे याद आने लगा। किशन और उसका दोस्त किशन जो अभी जहां काम कर रहा था उस सेठ जी के घर गया था।
जैसे वे दोनों उसके गेट के पास पहुंचे, उन्हें वहां काफी भीड़ दिखाई दी। पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। दोपहर को किशन जब काम से अस्पताल की ओर आ रहा था, तब ना तो कोई भीड़ थी और ना ही कुछ हुआ था। किशन को समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था। आगे की कुछ लोग सफेद लिबास पहने, हाथ जो बंद खड़े बंद मतलब जोड़कर खड़े थे, किशन और आगे गया। आगे का नजारा देखकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आंगन के बीचों बीच सफेद कपड़े में एक शव रखा हुआ था। वह सब किशन के सेठ जी की थी। किशन उनकी इस तरह रखे सबको देखकर बहुत दुखी हो गया। यह वही सेठ जी थे जिस पर किशन को उम्मीद थी कि वे अब सेठ जी से मीनू के इलाज के लिए पैसे ले सकता है। किशन एक जगह बैठा सोच रहा था कि अभी दो फेर में तो सेठ जी भले अच्छे थे। मुझे कहा था कि अस्पताल जाकर मीनू की खैरियत देखो और मुझे बताओ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना। पर यहाँ आकर ये सब देखकर किशन का दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो थोड़ी देर बाद उठा और सेठ जी के बेटे के पास गया। उनका बेटा घर के दरवाजे पर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। किशन उनके पास जाकर पूछने लगा, ये सब कैसे हुआ? उसने बताया कि उसके पापा को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वह चल बसे। ऐसे अचानक जाने से सभी को दुख हुआ है, पर किशन किस दुख में किस दुविधा में था ये तो वही जानता था कि सेठ जी का क्रियाकलाप करके अस्पताल आया था। जब आंख खुली तो किशन के चेहरे पर सूरज की किरणें पड़ रही थी। वो इधर उधर देखता और कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। उसने अंदर जाकर मीनू को एक नजर देखा। मीनू सो रही थी। उसके खटिया के नीचे पास में निर्मला बैठे बैठे सो रही थी। जैसे ही बाहर आया, उसके कुछ दोस्तों ने उसके लिए चाय और नाश्ता लाए थे। किशन ने उनसे ये सब लाने के लिए क्या जरूरत थी कहा। उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि यह तो उनका फर्ज था। किशन, निर्मला और मीनू को चाय नाश्ता देकर दोस्तों के साथ बाहर आ गया। उसके दोस्तों ने एक छोटी सी पोटली निकाली और किशन के हाथों में थमा दी। उसमें कुछ रुपए थे। किशन ने उन्हें पहले तो लेने से मना कर दिया, पर दोस्तों ने जब जबरदस्ती करने पर की तो उन्होंने ले लिया और उनका एहसान मानने लगा। उस पोटली में कुल 6,000 रुपए थे। किशन तुरंत उसे डॉक्टर के साहब के पास ले जाकर जमा करवाया और बाकी पैसे जल्दी लाने का वादा किया। किशन एक बार फिर सेठ जी के बेटे से मिलना चाहता था। उसने फिर अपने एक दोस्त को साथ लेकर सेठ जी के घर चला गया। सेठ जी का बेटा अजय, जो घर में अपने मेहमानों के संग बातचीत करने में लगा हुआ था, किशन ने अजय के पास खड़े एक आदमी को इशारा किया कि वह अजय को यहाँ बुलाएं। अजय ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। वह उसके पास चला गया। उसने किशन से कहा कि तुम हमारे बगीचा में काम करते हो ना? पिताजी ने तुम्हारा जिक्र किया था और कहा था तुम्हारी मदद करें। कैसी है तुम्हारी बेटी? अब किशन अपनी नजरें झुकाए और हाथ जोड़े कहने लगा कि डॉक्टर साहब ने कहा उसके दिल में छेद है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा वरना। किशन बस इतना ही बोल पाया। अजय ने उसे तसल्ली दी और कहा सब ठीक हो जाएगा। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और किशन के हाथों में थमा दिए और कहा कि यह कुछ पैसे रख लो। पिताजी की तरफ से मैं 2-3 दिन में शहर जा रहा हूँ, अपनी बेटी का ख्याल रखना। इतना कहकर वह अपने मेहमानों की ओर चला गया। किशन भी वापस अपने कदम अस्पताल की ओर बढ़ा दिए। जाते हुए उसने पैसे गिने तो वे पूरे 10,000 थे। किशन को अजय पर काफी नाज हुआ। वह उसे दुआएं देने लगा। किशन के दोस्त ने कहा कि इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बाकी हैं। किशन ने 4-5 दिन में करीब 20,000 रुपए जमा किए थे और वे डॉक्टर से ऑपरेशन करने की गुजारिश करने लगा। डॉक्टर अभी ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं थे। वो किशन को समझाने लगा, ऑपरेशन में कुल खर्चा 25,000 से 30,000 आना है।
कुछ डॉक्टरों को बाहर से बुलाना पड़ेगा और इसकी दवाइयां भी ज्यादा लगनी हैं, तो पूरे पैसे जमा किए बिना ऑपरेशन नहीं हो सकता। डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी कि वह मीनू को अभी घर ले जाएं। कुछ दवाइयां लिख कर देंगे। उसे मीनू को बराबर देने को कहा। 2-4 दिनों में जब पैसे जमा हो जाएं, तब मीनू का ऑपरेशन करेंगे। पर मीनू को जब उन्हें खास ध्यान रखने को कहा, किशन और उसके दो दोस्तों ने डॉक्टरों से बहुत मिन्नतें की, पर वह नहीं माना। पर परेशान होकर किशन के दोस्तों ने उसे बाहर जुलाए और कहा कि अब मीनू को घर ले चलते हैं। किशन कहीं से तो पैसों का इंतजाम करके मीनू बिटिया का इलाज करवाएंगे। दोस्तों की हमदर्दी देखकर किशन अपने आंसू पोंछने लगा और वह मीनू के वार्ड में चला गया। निर्मला मीनू के पास बैठी हुई थी। किशन ने अपना सारा सामान लेने को कहा और मीनू जो खटिया पर बैठी हुई थी उसे घर चलने को कहा। निर्मला कहने लगी, ऐसे अचानक ऐसे कैसे घर क्यों जा रहे हैं? मीनू का तो अभी इलाज भी नहीं हुआ। किशन ने उससे कहा कि वह घर चलकर सब बता देगा। निर्मला मान नहीं रही थी। मीनू तो कब से घर जाने को बेताब थी। वह तुरंत तैयार हो गई। किशन ने जैसे तैसे निर्मला को समझाया, डॉक्टर से बात करके मीनू को दवाइयां लेकर और मीनू को लेकर वह घर चल दिए। वह रात उनकी बेचैनी, उसने इधर उधर देखा तो वह समझ गई कि वह अस्पताल में। उसने कहा, अम्मा बाबा मैं फिर कभी स्कूल में भागम भाग नहीं करूंगी। ऐसे खेलते ही मैं गिर गई थी। किशन अपने आप को संभालते हुए मीनू के सर पर हाथ फेरते हुए कहने लगा, कुछ नहीं बेटा, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। थोड़े दिन में तुम पहले जैसा खेल कूद पाओगी। निर्मला अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई। उसने मीनू का हाथ अपने गालों पर लगाया और फिर उन्हें चूमने लगी। आज अम्मा को क्या हो गया? मीनू ने पूछा। बाबा बड़ा प्यार आ रहा है मुझ पर। अरे अम्मा कुछ नहीं हुआ है, मुझे जल्दी से घर ले चलो ना। मीनू अपने माँ बाबा को देखकर कहने लगी। निर्मला के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। किशन ने मीनू से कहा, हाँ मीनू हम जल्दी ही घर चलेंगे। मीनू को समझाकर किशन कहने लगा, मैं अभी आता हूँ। वो अस्पताल के बाहर एक पेड़ के नीचे किशन अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा था। वो बड़ी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसके दोस्तों ने उसे कई तरह के राय विचार दिए, पर किशन को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक से किशन खड़ा हुआ। उसने अपने एक दो दोस्तों को वहीं अस्पताल में रुकने को कहा और वह एक दोस्त को लेकर कहीं चला गया। देर रात किशन अस्पताल लौट आया। वो मीनू के वार्ड के बाहर एक कुर्सी पर अपना सर नीचे झुका बैठा था। उसका दोस्त उसके साथ नहीं था। निर्मला मीनू के पास सोई हुई थी। किशन ने अपना चेहरा नीचे छुपाई ही। वह जहाँ गया था वहाँ क्या हुआ वो सब उसे याद आने लगा। किशन और उसका दोस्त किशन जो अभी जहाँ काम कर रहा था उस सेठ जी के घर गया था। जैसे वे दोनों उसके गेट के पास पहुँचे, उन्हें वहाँ काफी भीड़ दिखाई दी। पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है। दोपहर को किशन जब काम से अस्पताल की ओर आ रहा था, तब ना तो कोई भीड़ थी और न ही कुछ हुआ था। किशन को समझ में कुछ नहीं आ रहा था। वह धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था। आगे के कुछ लोग सफेद लिबास पहने, हाथ जो बंद खड़े, बंद मतलब जोड़कर खड़े थे किशन और आगे गया। आगे का नजारा देखकर उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। आंगन के बीचों बीच सफेद कपड़े में एक शव रखा हुआ था। वह सब किशन के सेठ जी की थी। किशन उनकी इस तरह रखे सबको देखकर बहुत दुखी हो गया। यह वही सेठ जी थे जिस पर किशन को उम्मीद थी कि वे अब सेठ जी से मीनू के इलाज के लिए पैसे ले सकता है। किशन एक जगह बैठा सोच रहा था कि अभी दो फेर में तो सेठ जी भले अच्छे थे। मुझे कहा था कि अस्पताल जाकर मीनू की खैरियत देखो और मुझे बताओ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कहना। पर यहाँ आकर ये सब देखकर किशन का दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो थोड़ी देर बाद उठा और सेठ जी के बेटे के पास गया। उनका बेटा घर के दरवाजे पर खड़ा था।
उसकी आंखों में आंसू थे। किशन उनके पास जाकर पूछने लगा, ये सब कैसे हुआ? उसने बताया कि उसके पापा को अचानक दिल का दौरा पड़ा और वह चल बसे। ऐसे अचानक जाने से सभी को दुख हुआ है, पर किशन किस दुख में किस दुविधा में था ये तो वही जानता था कि सेठ जी का क्रियाकलाप करके अस्पताल आया था। जब आंख खुली तो किशन के चेहरे पर सूरज की किरणें पड़ रही थी। वो इधर उधर देखता और कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया। उसने अंदर जाकर मीनू को एक नज़र देखा। मीनू सो रही थी, उसके खटिया के नीचे पास में निर्मला बैठे बैठे सो रही थी। किशन जैसे ही बाहर आया, उसके कुछ दोस्तों ने उसके लिए चाय और नाश्ता लाए थे। किशन ने उनसे ये सब लाने के लिए क्या जरूरत थी कहा। उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि यह तो उनका फर्ज था। किशन, निर्मला और मीनू को चाय नाश्ता देकर दोस्तों के साथ बाहर आ गया। उसके दोस्तों ने एक छोटी सी पोटली निकाली और किशन के हाथों में थमा दी। उसमें कुछ रुपए थे। किशन ने उन्हें पहले तो लेने से मना कर दिया, पर दोस्तों ने जब जबरदस्ती करने पर की तो उन्होंने ले लिया और उनका एहसान मानने लगा। उस पोटली में कुल 6,000 रुपए थे। किशन तुरंत उसे डॉक्टर के साहब के पास ले जाकर जमा करवाया और बाकी पैसे जल्दी लाने का वादा किया। किशन एक बार फिर सेठ जी के बेटे से मिलना चाहता था। उसने फिर अपने एक दोस्त को साथ लेकर सेठ जी के घर चला गया। सेठ जी का बेटा अजय, जो घर में अपने मेहमानों के संग बातचीत करने में लगा हुआ था, किशन ने अजय के पास खड़े एक आदमी को इशारा किया कि वह अजय को यहाँ बुलाएं। अजय ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा, वह उसके पास चला गया। उसने किशन से कहा कि तुम हमारे बगीचा में काम करते हो ना, पिताजी ने तुम्हारा जिक्र किया था और कहा था तुम्हारी मदद करें, कैसी है तुम्हारी बेटी? अब किशन अपनी नजरें झुकाए और हाथ जोड़े कहने लगा कि डॉक्टर साहब ने कहा उसके दिल में छेद है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना। किशन बस इतना ही बोल पाया। अजय ने उसे तसल्ली दी और कहा सब ठीक हो जाएगा। उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और किशन के हाथों में थमा दिया और कहा कि ये कुछ पैसे रख लो, पिताजी की तरफ से मैं 2-3 दिन में शहर जा रहा हूँ, अपनी बेटी का ख्याल रखना। इतना कहकर वो अपने मेहमानों की ओर चला गया। किशन भी वापस अपने कदम अस्पताल की ओर बढ़ा दिए। जाते हुए उसने पैसे गिने तो वे पूरे 10,000 थे। किशन को अजय पर काफी नाज हुआ, वह उसे दुआएं देने लगा। किशन के दोस्त ने कहा कि इस दुनिया में अभी भी अच्छे लोग बाकी हैं। किशन ने 4-5 दिन में करीब 20,000 रुपए जमा किए थे और वे डॉक्टर से ऑपरेशन करने की गुजारिश करने लगा। डॉक्टर अभी ऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं थे। वो किशन को समझाने लगा, ऑपरेशन में कुल खर्चा 25,000 से 30,000 आना है, कुछ डॉक्टरों को बाहर से बुलाना पड़ेगा और इसकी दवाइयां भी ज्यादा लगनी है, तो पूरे पैसे जमा किए बिना ऑपरेशन नहीं हो सकता। डॉक्टर ने उन्हें एक सलाह दी कि वो मीनू को अभी घर ले जाएं, कुछ दवाइयां लिख कर देंगे, उसे मीनू को बराबर देने को कहा। 2-4 दिनों में जब पैसे जमा हो जाएं, तब मीनू का ऑपरेशन करेंगे। पर मीनू को जब उन्हें खास ध्यान रखने को कहा, किशन और उसके दो दोस्तों ने डॉक्टरों से बहुत मिन्नतें की पर वह नहीं माना। पर परेशान होकर किशन के दोस्तों ने उसे बाहर जुलाए और कहा कि अब मीनू को घर ले चलते हैं। किशन कहीं से तो पैसों का इंतजाम करके मीनू बिटिया का इलाज करवाएंगे। दोस्तों की हमदर्दी देखकर किशन अपने आंसू पोंछने लगा और वो मीनू के वार्ड में चला गया। निर्मला मीनू के पास बैठी हुई थी। किशन ने अपना सारा सामान लेने को कहा और मीनू जो खटिया पर बैठी हुई थी उसे घर चलने को कहा। निर्मला कहने लगी, ऐसे अचानक ऐसे कैसे घर क्यों जा रहे हैं? मीनू का तो अभी इलाज भी नहीं हुआ। किशन ने उससे कहा कि वह घर चलकर सब बता देगा। निर्मला मान नहीं रही थी, मीनू तो कब से घर जाने को बेताब थी। वह तुरंत तैयार हो गई।
किशन ने जैसे तैसे निर्मला को समझाया। डॉक्टर से बात करके मीनू को दवाइयां लेकर और मीनू को लेकर वह घर चल दिए। वो रात उनकी बेचैनी और फिकर के साथ बीत गई। पर सुबह के पंछियों की चिल्लाहट के ने किशन को मीनू की सवेरे सवेरे उठकर पढ़ाई करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो उठा तो अपनी आंखें मली और मीनू की तरफ एक नज़र देखा। वह गहरी नींद में थी। कितना मासूम चेहरा लग रहा था उसका। किस अन्य मन से देखकर सोचने लगा, मीनू का इलाज होते ही घर में फिर से उसकी आवाज, उसकी शरारत, उसका बड़बड़ाना गूंजने लगेगा। निर्मला रसोई में थी। किशन उठा और दातुन करते ही सोचने लगा कि इलाज के बाकी के पैसे कैसे जमा करें। मुंह हाथ धोने के बाद निर्मला ने उसे चाय दी और वो भी पैसों के बारे में पूछने लगी। किशन के पास इस वक्त कोई जवाब नहीं था। उसने सिर्फ उसे तसल्ली दी कि कहीं न कहीं से तो इंतजाम कर लेगा। किशन पूरा दिन इधर से उधर मारा मारा फिरता रहा। हर जान पहचान वाले के दरवाजे पर दस्तक दी, पर सभी ने हाथ खड़े कर दिए। पूरा दिन यूं ही बीत गया। शाम का वक्त था। मीनू घर में खटिया पर सोई हुई थी। निर्मला चावल चुनने में व्यस्त थी। किशन आंगन में अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठा बातें कर रहा था। उनमें चर्चा चल रही थी कि बाकी के पैसे कैसे जुटाए जाए। किशन गरीब था। उसके पास न जमीन थी और न ही गहने थे जिसे बेचकर वो मीनू का इलाज कर सके। किशन के दो दोस्तों ने कहीं से 4,000 का इंतजाम किया और वो लाकर किशन को दे दी। किशन को थोड़ी राहत मिली। वो अपने दोस्तों का शुक्रिया अदा करने लगा। उसके दोस्तों ने कहा, ये तो उनका फर्ज था। मीनू हमारी भी तो बेटी है। किशन और उसके दोस्तों ने तकरीबन 20,000 का इंतजाम किया था। अब बस 5,000 और जोड़ना था। किशन फिर अपने सेठ जी के घर चला गया, उनके बेटे अजय से मिलने। उसे लगा अगर वो और थोड़ी मदद मांगे तो वो मना नहीं करेगा। किशन जब वहाँ पहुँचा तो पता चला अजय घर पर नहीं है, वह शहर जा चुका है। किशन अपनी किस्मत पर रोता हुआ वहाँ से खाली हाथ लौट आया। 3 दिन गुजर गए पर अभी भी 5,000 का इंतजाम नहीं हो सका। मीनू की तबीयत बिगड़ते जा रही थी। किशन और निर्मला फिर से उसे अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने उन्हें फौरन ऑपरेशन करने की सलाह दी, पर पूरे पैसे जमा नहीं करने के बाद डॉक्टर ने फिर दवाई दी और उसे घर जाने को कहा। दूसरे दिन फिर मीनू को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। किशन और निर्मला मीनू के पास बैठे भगवान से प्रार्थना करने लगे कि उनकी मीनू को बचा ले। एक शाम सूरज अपनी गर्म किरणों को छुपा चुका था। यहाँ घर में निर्मला एक दीवार से जो टिके हुए बैठी थी। वह अजीब दिख रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थी, उनमें सूजन बढ़ी हुई थी। निर्मला के आसपास कुछ लोग बैठे हुए थे। निर्मला जहाँ बैठी थी ठीक उसके ऊपर दीवार पर एक सुंदर सी तस्वीर लगी हुई थी। उस तस्वीर पर फूलों की माला चढ़ी हुई थी। कितनी सुंदर लग रही थी वह तस्वीर, मानो अभी बोल पड़ेगी। वो सुंदर तस्वीर प्यारी मीनू की थी। वो तस्वीर बेचारी मीनू, सबकी प्यारी मीनू अब भगवान को प्यारी हो चुकी थी। आज उसका चौथा था। कुछ लोग उसकी तैयारी में लगे हुए थे पर किशन कहीं नजर नहीं आ रहा था। शायद वो कुछ सामान लेने गया होगा। किशन अपने गले में बाजा लटकाए उसे धीमे धीमे बजाते हुए हर घर के दरवाजे पर जाता और पूछता कि मीनू आई थी क्या यहाँ? खेलते खेलते कहीं आपके घर तो नहीं आई? उस घर के लोग हैरान होकर सिर्फ नामे सिर हिलाते। किशन फिर अपने कदम दूसरे घर की ओर बढ़ाता। वो चलते चलते कुछ बड़बड़ा रहा था। वो कह रहा था, मीनू बीना आजकल बहुत परेशान करने लगी है। एक जगह टिकती नहीं है कि हर दरवाजे पर जाता, बाजा बजाता और यही सवाल पूछता, मीनू आई है क्या? मैं चंद रुपए ना होने की वजह से एक मासूम बच्ची को जान गंवानी पड़ी। पूरे दुनिया में की तो बात ही छोड़ो।
सिर्फ अपने हिंदुस्तान में ही ना जाने कितनी जाने सिर्फ पैसों की वजह से चली जाती हैं। आज जरूरत है हर इंसान को अपनी इंसानियत दिखाने की, एक दूसरे की मदद करने की, ताकि फिर कोई मासूम को अपनी जान गंवानी पड़े। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।